आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर के महाराजा कॉलेज छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां मंच पर दिए गए अपने भाषण के दौरान पायलट पूरे तेवर में नजर आए। उन्होंने पिछले दिनों से चली आ रही खींचतान की बातों के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा अपने लिए कहे गए निकम्मा और नाकारा जैसे शब्दों का भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। पायलट ने महाराजा कॉलेज ग्राउंड में मौजूद छात्रों से पूछा कि मुझे क्या बुलाया गया, तो छात्रों ने उत्तर दिया कोरोना। इस पर पायलट ने कहा कि इससे पहले क्या बुलाया गया, तो सभी छात्रों ने उत्तर दिया निकम्मा और नाकारा। पायलट ने कहा, मैंने अपने राजनीतिक करियर में यही सीखा है कि 32 सलाखों के पीछे जो यह बिना हड्डी की जुबान होती है, इससे शब्द सोच समझ कर निकालने चाहिए, क्योंकि एक बार निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी को वो शब्द नहीं कहता जो मैं खुद के लिए नहीं सुन सकता। इस तरह से आज पायलट पूरी तरह से अपने ऊपर किए गए हर प्रहार का जवाब देते नजर आए। उन्होंने गहलोत की रगड़ाई वाली बात का जवाब देते हुए कहा कि जब मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तब मेरी कितनी रगड़ाई हुई के नहीं हुई। इस पर सभी ने कहा बहुत रगड़ाई हुई। आज सचिन पायलट मंच पर पूरी तरह से अपने प्रखर अंदाज में नजर आए। बता दें कि 16 तारीख को किसान सम्मेलन के दौरान सचिन पायलट ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हमने आकलन किया था कि अब राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक शुरू हो सकती है, और उसके बाद से ही लगातार सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस नोकझोंक के क्या परिणाम होंगे, इसका कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में झेलना होगा। सिर्फ जवाब देना, मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं आप सब लोग की हिम्मत से काम लो। आने वाला जमाना, आने वाला भविष्य देश प्रदेश का आप सबके साथ है, नौजवानों के साथ है। और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहता हूं न्याय मिले, जल्द मिले, बिना पक्षपात के मिले, और न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए कि मिल रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी अगर विवाद होगा, कोई भी विरोध करेगा, तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ। छात्रों को, स्टूडेंट्स को, और सिर्फ छात्रों को नहीं, नौजवानों को, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में जो योगदान देगा मैं उसका समर्थन करूंगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप समझदार लोग हो, जागरूक लोग हो,